हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक नया चैनल के नाम बता रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट, और यहाँ हम सीखेंगे अकाउंट्स के बारे में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम सबको पता है कि अकाउंट के लिए बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज में आपसे बात करता हूँ तो बेसिक नॉलेज होती है जनरल एंट्री के बारे में, लेज़र के बारे में और ट्रायल बैलेंस के बारे में। जब जनरल एंट्री की बात की जाती है तो जनरल एंट्री बनाने के लिए कुछ बेसिक नियम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहले आता है कि अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। अकाउंट होते हैं तीन तरीके के, जिसमें हम बात करते हैं। पहली वाली अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम उन बातों का ध्यान देते हैं कि पर्सन के नाम आने चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या दूसरे तरीके के। तो हम एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट के लिए किसी का नाम हो, जैसे कि राम मोहन सोहन। अगर ये नाम रिसीवर है तो हम इसे डेबिट कर देंगे, अगर ये नाम गिवर है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल आता है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि हम इसमें एसेट्स लेते हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह वगैरह। अगर ये एसेट्स आ रही हैं तो डेबिट करो, और जा रही हैं तो क्रेडिट। इफ़ एसेट्स कम्स इन डेबिट, इफ एसेट्स गोज आउट क्रेडिट। ये मेरा वाला रूल है, लेकिन किताबों में आपको मिलेगा क्या कि वॉट कम्स इन डेबिट एंड वॉट गोज आउट क्रेडिट। ओके, हम आगे चलते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट का यूज करते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। यानी खर्चा होने पर हम इसे डेबिट करेंगे, इनकम होने पर से क्रेडिट। ठीक है, इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि बच्चों ध्यान रखना, अगर खर्चा होता है वो कैश में होता है, इनकम होती है तो कैश में होती है। तो आपको कभी मिल जाता है कि हमने किसी को वेजेस दी, उसका नाम दे रखा है, जैसे मोहन को वेजेस दी, मोहन को वेजेस दी है, तो यहाँ मोहन को इग्नोर करेंगे, मोहन का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा वेजेस है और कैश में हो रहा है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और ध्यान रखना, ये तीन रूल हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और ये ध्यान रखना कि एक एंट्री में एक रूल होगा या नहीं होगा, दोनों रूल का यूज हो सकता है, पर्सनल और रियल का, या फिर रियल और नॉमिनल का। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर किसी के इंसान का नाम आया है जैसे राम सोहन मोहन, तो आपको रूल लगाना होगा पर्सनल अकाउंट, जहां रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट करेंगे। इसका रियल, रियल में वही है कि एसेट्स कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, जिसको बोलते हैं व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल में, नॉमिनल में वो होता है कि एक्सपेंसेस लॉस इज डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको आजकल ये बताया जाता है कि अकाउंट्स बनाने के लिए तीन अकाउंट्स नहीं, पांच पार्टों में बांटा गया है, जो मॉडर्न नेचर के हिसाब से है, मॉडर्न ट्रेडिशनल के हिसाब से। इसमें पहला आता है एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। इस हिसाब से भी अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट के रूल जान सकते हैं, इसे हम बाद में बताएंगे तब। और एक चीज़ और, ये इस जो रेगुलर क्लासेस का चैनल है, इसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, और उसे लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी करना, दूसरों को बताइए कि अकाउंट्स का नया चैनल खुल चुका है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको सही सही जानकारी दी जाएगी। ओके, बाय, गुड नाइट।